हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम एवरीडे सिंपल मील की अगली रेसिपी देख रहे हैं, जिसमें कि मैं फुल्का, गेहूं के आटे का फुल्का दिखा रही हूं। तो उसके लिए ये हमने 2 कप आटा लिया है। मैं एमपी का शेवर गेहूं यूज़ करती हूं, इसका आटा है। ये 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है, ये नमक मैं इसमें ऐड करती हूँ। नमक अच्छे से आटे में मिलाकर हम आटा गूंद लेंगे। इसी कप से मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आटे को गूंद लिया है। ये मीडियम कंसिस्टेंसी का मैंने गूंदा है इसे। अभी हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो ये ऑयल मैं इसको लगा लेती हूँ। हम इसे मसल नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ गूंद के इसे रख रहे हैं। 15-20 मिनट हम इसे रेस्ट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15-20 मिनट के लिए हमने आटे को अच्छे से गूंद के रखा था। अभी हम इसके फुलके बनाएंगे। तो वापस से इसे थोड़ा सा हम मसल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस साइड की लोई तोड़ ली है। अभी हम इसे आटे में दोनों साइड से इसे डस्ट करेंगे और अभी हम इसकी रोटी बेलेंगे। फुल्का हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है। बीच बीच में चाहिए तो आप इसे आटा लगा सकते हो। देखिए हमारा फुल्का रेडी हो चुका है। अभी हम इसे सेकेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसके ऊपर हम ये रोटी डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बढ़ा लिया है। इसे एक साइड से हम थोड़ा सा सेकेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसे थोड़ा सेकेंगे और फिर इसे पलटेंगे। ये देखिए, अब ये इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी हमने इसे पलट लिया है। दूसरे साइड से ऐसे छींटे आने तक हम इसे थोड़ा सा सेकेंगे और फिर हम इसके गैस के ऊपर सेकेंगे। ये देखिए, गैस का फ्लेम बढ़ा करके इस तरह से हमें फुल्का बनाना है। ये देखिए, हमारा फुल्का बहुत ही अच्छा बना है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और एक और फुल्का हम बना लेते हैं। एक और लोई हमने इसमें से निकाल ली है। अभी इसे वापस से हम आटे में डस्ट करेंगे दोनों साइड से और फुल्के को बेलेंगे। रोटी को बेलते वक्त साइड साइड से बेलना है ताकि शेप हमारा अच्छा हो जाता है, राउंड। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको सेकेंगे। ये मैं इसको तवे पे डालती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने वापस से बढ़ा लिया है। थोड़ा सा आप इसे पलट के देख सकते हो कि कलर पूरे सभी जगह चेंज हुआ है क्या। अभी हम इसको पलटेंगे।
और उस रिजल्ट से छींटे आने तक हम इसको सेकेंगे। इसे गैस के ऊपर ये देखिए इस तरह से हमने सभी फुलके बना लिए हैं। हमारे फुलका बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और यह मैंने बिना घी और ऑयल का बनाया है, आप चाहिए तो इसे बाद में घी या ऑयल लगा सकते हो खाने के पहले।